जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की एक बैठक जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रोशन मांझी के नेतृत्व में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा शामिल हुए। इस दौरान मंत्री के द्वारा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के 61 सदस्यीय जिला कमेटी एवं 24 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष को मनोनयन पत्र दिया। इस अवसर पर हम पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रोशन मांझी के नेतृत्व में मंत्री रत्नेश सदा के हाथों जदयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। आज लगभग 2400 प्रखंड से हमके जितने भी कार्यकर्ता थे लगभग 250 कार्यकर्ता हम पार्टी छोड़ करके नीतीश कुमार के में आस्था रखते हुए आज जदयू का सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसी कार्यक्रम में हम आज आए थे। आज कितने लोग सदस्यता दूसरे पार्टी के भी लोग ग्रहण किए हैं आज आपके पार्टी में? 250 आदमी नाम तो 250 कार्यकर्ता हम छोड़ करके और जदयू पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और नीतीश कुमार में आस्था और विश्वास के साथ उन्होंने झंडा उठाने का काम किया। क्या लगता है महादलित समाज का विश्वास नीतीश कुमार के प्रति बढ़ा है? पहले से ज्यादा बढ़ा, लेकिन जितने मांझी तो कहते हैं कि हम उनके मसीहा हैं। मसीहा रहते तो 1980 से लेकर का अभी तक में पूरे 2400 प्रखंड में कितने महादलित को पर्चा दिला दिए हैं। और हम कल आए हैं टनकुप्पा प्रखंड के परोरिया गांव में, आज सुबह में 100 आदमी का पर्चा का फाइनल करवाए हैं सर्किट हाउस में। 2011 में जिसको पर्चा मिला था उसको 9 में और उसको नहीं देख करके जब हम आए हैं कल टनकुप्पा घूम करके परोलिया के 100 महादलित को DCLR और क्या कहते हैं ATM कर्मचारी को बैठ करके सबको पर्चा फाइनल किया। अगर मांझी के उनके साथ रहते, मांझी को महादलित के प्रति संवेदना रहती तो उन्होंने इस समाज को देखता और रोड पान आहार पर नहीं बसे रहता अभी तक।